जयपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। महेश नगर थाना इलाके की पूरी घटना और एलन कोचिंग सेंटर के सामने युवक का शव मिला। आपसी विवाद में युवक की हत्या हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। जयपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया। आप तस्वीरें एवन टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपसी विवाद में इस युवक की हत्या हुई। एलन कोचिंग सेंटर के सामने युवक का शव मिला और मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महेश नगर थाना इलाके की पूरी घटना, जयपुर में युवक की हत्या, महेश नगर थाना इलाके की पूरी घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एलन कोचिंग सेंटर के सामने युवक का शव मिला। आपसी विवाद में युवक की हत्या हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। महेश नगर थाना इलाके की पूरी घटना। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुट चुके हैं। जी यादवेंद्र, इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दें। यादवेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल मनीषा, ये जो युवक का जो शव मिला है, सबसे पहले इस युवक की जो शिनाख्त हुई है वो बलराम के नाम से हुई है। चूंकि ये इसी आसपास के जो महेश नगर जो थाना इलाका पड़ता है, यहाँ पर किराए से रहता था। मगर इस घटना का जो पता है वो आज सुबह पुलिस को जानकारी मिली है इस घटना की। चूंकि जब शाम को इस युवक का जब शव मिला था, जो रिद्धि सिद्धि जो एलन कोचिंग सेंटर पड़ता है, जो मेन कोपरपुरा जो रोड पड़ता है, वहां पर एलन कोचिंग के सामने इस युवक का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद जो वहां के जो लोग बाग थे, उन्होंने सबसे पहले जो पुलिस थाना को सूचना दी, उसके बाद एक्सीडेंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने एक्सीडेंट समझ करके इसके शव को अस्पताल में रखवा दिया था। मगर जब पुलिस ने आसपास के जब कोचिंग के जो सीसीटीवी कैमरे निकाले, तो उसके बाद एक बड़ी वारदात का यहाँ पर खुलासा हुआ, जिसमें सामने आया कि जो युवक है बलराम, उसकी यहाँ पर मारपीट के दौरान यहाँ पर हत्या कर दी गई है। कुछ जो सीसीटीवी कैमरे में आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ पर आते हैं, तीन से चार युवक होते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो बलराम है अपने बैग को लेकर के खड़ा होता है और वो कहीं जाने की फिराक में होता है। मगर वो तीनों युवक आकर के इस युवक के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट इतनी जबरदस्त होती है कि वहां पर जो बलराम नाम का जो शख्स है वो चित होकर के गिर जाता है। उसके बाद जब पुलिस उसको लेके जाती तो उसको मृत घोषित कर दी थी। तो कहीं ना कहीं जो एक सीसीटीवी फुटेज से यहाँ पर एक सफलता हासिल मिली है और ये पता लगाया है कि युवक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसकी हत्या की गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर साउथ जिला पुलिस की जो तमाम जो आला अधिकारी वो मौके पे पहुंचे और इसके अलावा FSL की जो टीम है वो भी मौके पे पहुंची है और उन्होंने आसपास के जो फुटेज है और आसपास के जो साक्ष्य हैं वो वहां से जुटाए हैं कि युवक कहाँ से आया था और हत्या क्यों की गई थी, किस वजह से की गई थी। इन सब पहलुओं को लेकर के फिलहाल जो पुलिस है जो मौके पे जुटी हुई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। लेकिन इतना तो साफ हो गया है मनीषा, क्योंकि ये झगड़ा पहले से चल रहा था और झगड़े के दौरान यहाँ पर तीनों युवक आते हैं, तस्वीरों में भी आपको साफ नजर आ रहा है, और युवक के साथ मारपीट करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक साजिश के तहत यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, मारपीट की गई और मारपीट के दौरान यहाँ पर युवक की मौत हुई है। फिलहाल जो आरोपी युवक है, फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है, वो कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इन सब पहलुओं को लेकर के पुलिस आसपास के जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है। लेकिन शर्मनाक बात यह है, तस्वीरों में जिस तरीके से नजर आ रहा है कि जब युवक चित होकर के गिरा तो वहां से बहुत लोग गुजर रहे थे और मगर किसी ने पुलिस को ये सूचना देना उचित नहीं समझा कि यहाँ पर झगड़ा हुआ था, झगड़े के दौरान युवक की मौत हुई थी। ऐसे में पुलिस ने यहाँ पर सबसे पहले एक्सीडेंट थाना पुलिस ने एक एक्सीडेंट समझ करके यहाँ पर मामला दर्ज किया। अगर यहाँ पर जब आसपास के जो लोग थे, जो टीवी फुटेज में भी नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं कि वो लोग घटनाक्रम को देख रहे थे, अगर वो समय पहले यहाँ पर अगर समय से पहले ही पुलिस को सूचना देते तो कहीं ना कहीं जो बदमाश थे जिन्होंने इस मारपीट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं वो आज पुलिस की गिरफ्त में होते। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं शर्मनाक ये वारदात हुई है, घटना है, जहां पर लोग इस मारपीट की घटना को देख करके मूक दर्शक बने हुए थे। बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहां पर निंदनीय ये है कि जो लोग आसपास से गुजर रहे थे उन्होंने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, उस युवक को बचाने की भी कोशिश यहां पर नहीं की गई। ये बहुत निंदनीय है। तथाकथित रूप से जो लोग ये कहते हैं कि हम एकता का संदेश दे रहे हैं, हम सब एक हैं, वहां पर इस युवक को किसी ने नहीं देखा, देखकर भी इस युवक को अनदेखा किया गया, ये यहां पर बहुत निंदनीय है।